नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल में जिसका नाम है द राइट स्टेप। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो ये घंटी का निशान है इसे दबा के ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों आज की वीडियो टाइटल देख के तो आप समझ ही होंगे कि आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। दोस्तों आपने सही पढ़ा, दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर को मोबाइल में देखा होगा आपने, यहाँ पे होम स्क्रीन पे मोबाइल पे सब्सक्राइबर काउंट लाइव चलता रहता है, यानी कि जब भी वो अपना मोबाइल खोलते हैं तो उनके सब्सक्राइबर कितने बड़े हैं और कितने घटे हैं उन्हें होम स्क्रीन पर दिख जाता है। और आप सोचते होंगे कि यार ये कैसे होता है, मुझे भी शायद आता ये, तो मैं भी अपने चैनल का लाइव स्क्रीन यानी कि होम स्क्रीन पर लाइव सब्सक्राइबर काउंट चला सकता था। दोस्तों आज की आपकी सारी शंकाओं को दूर करने वाले इस वीडियो में, ये वीडियो 2 या 3 मिनट की होगी दोस्तों, जरूर पूरी देखना, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। सिंपली आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, जैसे आप प्ले स्टोर को ओपन करते हो तो आपको सर्च में लिखना पड़ेगा रियल टाइम सब्सक्राइबर काउंट। जैसे आप लिखते हो इसका इंटरफेस ऐसा होगा इस एप्लीकेशन का, सिंपली आप इसको डाउनलोड कर लेना। सिंपली ये 7 MB की एप्लीकेशन है, मगर यहाँ से आपको ओपन नहीं करना है, सिंपली इसको नीचे आ जाना है आपको होम स्क्रीन पे। जैसे आप होम स्क्रीन पे आते हो दोस्तों, सिंपली आपको अपनी स्क्रीन पे क्लिक करके रखना है और यहाँ पे आपको वेजिट का निशान ऑप्शन नज़र आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है वही एप्लीकेशन जो हमने डाउनलोड करी थी सब्सक्राइबर काउंट रियल टाइम वाली। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सिंपली हमें इसको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ऐसा खुल के आ जाएगा और सिंपली आपको यहाँ पे अपने चैनल का नाम सर्च करना है। जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम सर्च करता हूँ दोस्तों, द राइट स्टेप। जैसे दोस्तों मैंने ये सर्च किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे सर्चिंग हो रहा है और फर्स्ट पे ही मेरे चैनल का नाम आ गया है। सिंपली आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेना दोस्तों। जैसे आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हो अपने चैनल पे तो आपके सामने होम स्क्रीन पे ऐसा ऑप्शन बन के आ जाएगा, यानी कि सब्सक्राइबर काउंट आपको शो होने लगेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करके रखते हो दोस्तों तो यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। दोस्तों मैं सिंपली इसको पहले होम स्क्रीन पे ले जाता हूँ। इसको होम स्क्रीन पे ले आने में इसको पकड़ के रखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जहाँ पे रखना है वहाँ पे इसको छोड़ देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसके साथ में डॉट डॉट बन के आ रहा है, इससे आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो और सिंपली आपको इतना ही कर देना। तो आप देख सकते हो ये सिंपली मेरे फ़ोन स्क्रीन पर आ गया, यानी कि जब भी मैं अपना मोबाइल खोलूँगा या जब भी अपने होम स्क्रीन पर जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर लाइव सब्सक्राइबर दिखते रहेंगे दोस्तों। और इसके बगल में रिफ्रेश का आपको इंटरफेस दिख जाएगा, सिंपली आप रिफ्रेश करके अपने सब्सक्राइबर भी देख सकते हो कि कुछ बड़ा है या नहीं बड़ा। तो सिंपली दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपके हर सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो दोस्तों ऐसे ही मत चले जाना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ में घंटी का निशान जरूर दबाना ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके अंदर से कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप हमें सब्सक्राइब करते जा रहे हो। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना ताकि बहुत से लोगों को ये अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।